जशिम उठो, जशिम यार उठो। क्या कर रहे हो यहाँ? अरे तुम्हें लेने आया हूँ। हाँ विशाखा। कहाँ? जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ। सुनान, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? तुम जाओ यहाँ से। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा यहाँ से यशम, और वो भी तुम्हें लिए बगैर। यशम, कभी सुना है तुमने शादी वाली रात मियां बीवी दोनों अलग हो गए? हाँ, तुम्हारे जैसे खड़ूस के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है ना? मैं खड़ूस हूँ, मतलब मैं खड़ूस हूँ ना? ठीक है, मैं खड़ूस हूँ। पता है, तुम्हारी वजह से मैंने स्टेपलेस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, और तुम्हें देखते हुए डैफने ने भी वही ख्वाहिश जाहिर की। डैफने को भी वो पहनने से मना नहीं किया मैंने। बहुत बड़ा एहसान किया आपने। हाँ, एहसान वहसान कुछ भी नहीं किया मैंने। उठो और चलो मेरे साथ यशिम बरूची। यशिम अरास बरूची। अब अरास को भूल जाओ, तुम सिर्फ बरूची हो। चलो मेरे साथ। सिनान, जबरदस्ती नहीं करो, वरना मैं तुम्हें अरास बनकर दिखाऊंगी, समझे? तुम्हें तो मैं लेके ही जाऊंगा यशम। जा, सुनो, जबरदस्ती नहीं करना मेरे साथ, नहीं करना जबरदस्ती। नहीं जाऊंगी, तमीज सीखो फिर आना। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, समझ आई तुम्हारे? हाँ, वैसे भी तुम्हें क्या मालूम कि तमीज क्या चीज होती है? कैसे पता तुम्हें, है ना? तो ऐसा है बेगम साहिबा? जी हाँ, मिल जाए बिल्कुल। जरा एक बार फिर से कहना जो तुमने अभी कहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगी। सिनान, अब तुम जाओ यार यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ यशिम मैं, और लेके ही जाऊंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। चलो मेरे साथ। क्या? अरे, अरे क्या कर रहे हो? अगवा कर रहा हूँ अपनी ही बीवी को। सिनान, 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 पागलपन मत करो, देखो छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, कोई शौहर हूँ तुम्हारा मैं। अगर प्यार से मेरी बात नहीं मानोगी तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। चीखने से कुछ भी नहीं होगा यशम, कानूनन तुम पे मेरा हक है, इसलिए मुंह बंद रखो अपना। छोड़ो यार, छोड़ो ना मुझे, छोड़ो सिनान, सिनान छोड़ो, सिनान। बस बस यहीं रोक दो गाड़ी। करो और बताओ हम यहाँ हैं। जरा यहाँ की लोकेशन भेज दो, और जब मेरा पासपोर्ट आ जाए तो कॉल कर लेना। चलो चलती हूँ। क्या मतलब है चलती हूँ तुम्हारा नीली चुड़ैल? अंदर जाना है मुझे, तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर वेट नहीं कर सकती हूँ मैं। तो आसले के पास जा रही हूँ। तुमने मुझे क्या अपना कोई ड्राइवर समझ के रखा है जो मैं यहाँ बाहर खड़ा रहूंगा? तो क्या मतलब है तुम्हारा, मैं किसी अनजान आदमी को अपनी दोस्त के घर तो नहीं लेके जाऊंगी? वाह भाई, क्या बात कर दी तुमने यार। तुम इस किसी भी आदमी के साथ पूरा शहर घूम कर आई हो, याद है ना तुम्हें? या याद दिलाऊं तुमको? अरे हाँ, वो लड़का जो बहुत बड़ा साइको है। शुक्रिया याद दिलाने का। उम्मीद करती हूँ हम कभी नहीं मिले पुलात। ओए नीले बाल वाली, क्या है? तुम मुझे अंदर नहीं लेकर जाओगी क्या? समझदारी आ गई है तुम्हें। क्या वाकई? हाँ, तो पहले इतनी शराफत कहाँ देखी मैंने। क्या तुम वाकई ये चाहती हो कि पौलाद जानवर बन जाए? वो तो पहले ही है। तो फिर तुम मुझे एक बार फिर से अपने वैशीपन पे आने पे मजबूर कर रही हो, ठीक है? तुम्हें तो अब आदत हो जानी चाहिए ना इसकी, तुम्हारी फितरत जो है। यानी तुम मुझसे, कप्तान पौलाद से इतनी बदतमीजी करोगी नीले बाल वाली? हाँ तो और क्या, क्योंकि तुम इसी काबिल हो पौलाद। कप्तान के साथ पंगा, अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। आवाज मत निकालो, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा, कसम से। चुप करके आसले। आसले। अस्सलाम वालेकुम आसले, याद तो हूँ ना मैं तुम्हें या नहीं? हाँ, क्यों खैरियत? हाँ, देखो इसे भी याद है कि कौन हूँ मैं। चुप करो, आवाज मत निकालो, मुंह बंद रखो। किस तरफ जाओ? उस तरफ।
चुप हो जाओ, मुंह बंद कर लो अपना। आराम से आराम से, शोर मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी का इंतजार था भाई। शुक्र है तुम आ गए, इसी ने मुझे किडनैप किया। या अल्लाह, झूठ बोली है लड़की तुमसे। ड्रामा मत करो, मुझे पता है तुम खुद इसके साथ गई थी। डेफिनेट से अपना पासपोर्ट भी मंगवाया था ना, अब बोलो। क्या मुसीबत है, चोरों की तरह अंदर आना पड़ रहा है। तुम उससे माफी क्यों नहीं मांगना चाहती? तुम्हें क्या, तुम जाओ याले नाराज, खिड़की खुली देखते ही अंदर मत आ जाया करो। मैं नहीं जा रहा कहीं डेफने भरूचे, तुम्हें बताना पड़ेगा कि मुझसे माफी क्यों नहीं चाहती तुम। क्योंकि इस दफा मैं परफेक्ट बनना नहीं चाहती हूँ। जिस तरह से तुम मुझे देखना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी माफी भी नहीं चाहिए, ठीक है? क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि अगर मुझसे दोबारा गलती हुई तो तुम मुझे फिर छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी अना हर चीज से ज्यादा बढ़कर है। इसलिए मुझमें अब बर्दाश्त नहीं बची है कि तुम मुझे मजीद हर्ट कर सको। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ तुम्हारा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी होगा। क्या मतलब? मुझे कोई वादा नहीं चाहिए तुमसे। चलो मान लेते हैं कि हमारा प्यार खत्म हो गया, ठीक है, जो कभी होगा नहीं, तो फिर भी मेरी जान, मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी होगा। ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन निभाना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली जब आप अकेले हों और आपका पार्टनर आपको बात बात पर छोड़ता फिरे। तो फिर मुझे अपना लो तुम। कैसे? ऐसे। अरे अरे यालिन, क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे। किडनैप कर रहा हूँ मैं तुम्हें। यार छोड़ो, उतारो मुझे नीचे, फौरन नीचे उतारो। देखो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, और मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। शुक्र है अब तो बुखार उतर गया, शुक्र है। ओए मेरा मुन्ना शहजादा। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे, छोड़ो। अरे वो ऐसे उठा। दादी क्या हो गया? अरे दादी क्या हुआ, क्या कह रही है? खिड़की पे, खिड़की, ये खिड़की के बारे में कह रही है। तुम्हें कैसे पता? है मैं इनके साथ 24 घंटे रहती हूँ, मुझे सब समझ आता है। सी वो, चलो आ जा। यो यालिन, मुझे नीचे उतार दो। छोड़ो छोड़ो मुझे सिना, छोड़ो। यार बहुत संगीन मामलात हैं दरअसल हमारे, वो हल करने जरूरी थे इसलिए ले जा रहा हूँ। जो भी है
तुम दोनों सुकून से भी तो बैठ के अपना मसला हल कर सकते थे ना किसी कैफे में, ऐसे उठाने की क्या जरूरत थी? बहन है मेरी यार। यार तुम तो ये बात मत करो, हाँ तुमने भी तो यही किया ना। तो यशे मेरी कानूनी बीवी है यार। अब यार बीवी हो या नहीं मैं ये सब नहीं जानता, मैंने कुछ कहा भी है क्या तुमसे? हाँ अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ और क्या। हाय यशम, दी तुम्हें इजाजत। अरे यार ख्याल रखना तो मेरी बहन का, तुम भी ख्याल रखना। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, पागल हो गए हो क्या? हाँ बिल्कुल, किसी सामान की तरह उठाया हुआ है तुम दोनों ने हमें, देखो तो सही है ने? हाँ ना यार, हम कोई चीजें हैं जो उठा के ले जाओ, ये क्या तरीका है यार। हाँ बिल्कुल, एक दफा पूछना तो चाहिए था ना भाई। आप डेफने को ऐसे अगवा नहीं कर सकते भाई, आप भी इस तरह से अगवा नहीं कर सकते। बस बहुत बातें हो गई तुम्हारी, चलो चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? यालन, 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 मैं छोड़ूंगा नहीं यालन नाराज। मेरे घर से मेरी बहन को उठाकर ले जाने का नतीजा बहुत बुरा होगा। मैंने कहा भी था अपने लड़कों को दूर रखना मेरी बेटी से, वो कैसे भाग गई? चले दादी अंदर चले, मजा आ गया आज तो। चल। यस। आराम से। आखिर मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हूँ? ये कौन सा पहली दफा हुआ है मेरे साथ? हमेशा ऐसा ही तो हुआ है मेरे साथ कि इस शख्स का जब दिल चाहे इसने मुझे माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शख्स अपनी मर्जी का मालिक है और इसे जो ठीक लगता है ये वो ही करता है। हाँ और वैसे भी मुझे अगवा करना बहुत आसान, क्योंकि मैं नाजुक सी हूँ और तुम्हारे लिए मुझे उठाना मुश्किल नहीं। और इन हरकतों को तुम्हें लगता है कि प्यार कहते हैं? मैं एक और बात क्लियर कर देती हूँ कि अब इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। डेफने क्या है? बहुत याद किया मैंने सांस लिए बिना बोलने वाली लड़की को। रिलैक्स रिलैक्स। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे भाई को लग रहा है तुम भी भाग गए हो, जल्दी से आ जाओ। भाभी ये सब क्या हो रहा है? अरे हमारे दुल्हे साहब दुल्हन को अगवा कर रहे हैं और तुम सो रहे हो। हबीबे ये लोग देखो तमाशा देख रहे हैं, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। मुझे इस आदमी के साथ छोड़ दिया, हाथ में हाथ देकर, वो भी छोड़ो छोड़ो मेरी बात सुनो तुम। छोड़ दो हमारी लड़की को, इस तरह अगवा नहीं कर सकते हो तुम इसे। हबीबे क्या बकवास है ये? हबीबे चलो अंदर जाओ, ये शिव कान खोल के सुन लो, हिलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। जाओ आप देखोगे तुम लोग बदमाशी। मैं तुम्हारे बारे में जब अपने तमाम फॉलोअर्स को बताऊंगी ना तब होगी तुम्हारी बदनामी। बस एक हैशटैग ही सोचना है। मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं होती। कहाँ है वो? हाँ मैं अभी जूते लाके देती हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। मुझे भी दो, मुझे भी दो, ये लो। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ, मेरी मदद करो जरा, जल्दी। तुम उस शख्स को कैसे इजाजत दे सकते हो डेफने को किडनैप करने की? भाई मैं दे सकता हूँ क्योंकि वो सही है। क्या मतलब सही है? अगर वो सही भी है तो क्या हमारी बहन को उठा कर लेके जाएगा? यार डेफने की भी बराबर की गलती है यार, कम से कम वो मानता तो है कि उसे प्यार है उससे, और जाहिर है वो कब से मना रहा था यार, उसको करना पड़ा, ये क्या मसला है आपको? सच कहूं तो तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा मुंह तोड़ देने का दिल कर रहा है मेरा। यशिम कहां लेकर गया होगा डेफने को तुम्हारा भाई? बहुत अच्छा सवाल किया है तुफैल भाई आपने, लेकिन अगर मुझे पता होता तो मैं खुद उसे बचा लेती, समझे आप? लेकिन हाँ मैं कैसे बचाऊंगी उसे? हाँ कैसे बताएं? क्यों? क्योंकि मैं तो खुद अगवा हो गई हूँ इस खड़ूस के हाथों। खड़ूस मत कहो मुझे बस। अभी तो तुम्हें बहुत से खिताब मिलेंगे बेवकूफ लड़के, देखते रहो बस। बस चुप कर जाए, मैं अभी जा रहा हूँ, उस याले नाराज को तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। लैला जाओ मेरे कपड़े तैयार करो। अलमारी में कपड़े रखे हैं तुम्हारे, खुद ले लो जाकर।
तुफैल, तुम इसे वापस दे दो और अपनी बहन ले आओ। मेरी है ये, बहुत मुश्किल से किडनैप किया, मैं नहीं जाने दे रहा। शायद पहली बार दादी जाने ना अकल की बात की है। मुझे दे दो। चलो मैं देख के आती हूँ। हाथ उठाए अपना यार। ए बस करो। यशिम, हिलना नहीं यहाँ से तुम। ले लो, जल्दी बताओ चाबी कहाँ रखी है? जहन्नुम में दफन है वो तुफैल। अब ये भी मैं बताऊँ इस इंसान को? तुफैल, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम यहाँ बैठ के सोचो कि तुमने क्या किया अकल से पैदल लड़के। हाँ, बात सुन मेरी, मुझे जैसे ही मौका मिला ना एक मिनट भी नहीं लगाऊंगी यहाँ से भागने में, समझे? याद रखना। बहुत स्मार्ट हूँ मैं, कितनी सफाई से मैं तुम्हें उठाकर लेकर आया हूँ, माशाल्लाह बोलो। क्या कर रहे हो? हाँ छूनो नहीं मुझे। अरे क्यों यार, हटो। कहा ना कि दूर हट जाओ मुझसे। तुम बेबी हो यार मेरी। नहीं हूँ ना यार सिनान, चलो छोड़ दो मुझे, छोड़ो ना। ओए नन्ने कोचरे कोचरे की मिन्यारे। यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ तुमने किया है। तुम और मुसीबत दोनों अलग क्यों नहीं रह सकते निहाल? ऐसे ही मतलब इस दफा तो इसने हद ही कर दी है, आगे ना जाने क्या क्या करेगी। शुक्र अल्लाह का, सच कहा किसी ने। ऐसा करो, डेफने को लोकेशन भेजो, उससे कहो कि पासपोर्ट यहाँ ले आए, और सुनो अब से तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास ही रहेगा। वायरस क्या? मैं ना अमेरिका से तुम्हें ईद कार्ड जरूर भेजूंगा। ये मरेगा मेरे हाथ से। यार भाई क्या है, कम से कम इसके सामने तो मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए ना आपको। तुम क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरी बहन का? तुम्हारी सच में बहुत अफसोस हुआ सुनकर। देखो ना, जिंदगी ने तुम्हारे साथ वैसे ही मजाक कर दिया, ऐसी बहन दे दी तुम्हें, तरस आता है मुझे तो। अल्लाह रहम करे। यालन, ये सब कुछ ठीक नहीं है, प्लीज मुझे वापस छोड़ दो। नहीं, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यालन तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पास उन दोनों के पासपोर्ट्स हैं, मैं उनके मैसेज का वेट कर रही हूँ ताकि वो मुझे लोकेशन भेजे और मैं जाकर उन्हें पासपोर्ट्स पहुंचा सकूं। हाँ अच्छा क्या याद दिलाया तुमने, कॉल करता हूँ मैं। निहाल को तो पता चल गया होगा जैसे ही दानिश के हाथों पकड़ी गई होगी, लेकिन तुम्हारे भाई को भी तो पता चलना चाहिए। क्या कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि दानिश के हाथों? तुमने क्या सोचा कि निहाल को इतनी आसानी से जाने दूंगा? हाँ बहुत चालाक हो तुम। हाँ नहीं, मोहतात इंसान। हाँ यालिन। दानिश, तोता मैना कैसे हैं? दोनों मेरे हाथों में हैं, दोनों के दोनों। वाह अच्छा हो गया, तोते से बात करवाओ। यालिन की कॉल। ओए नन्ने कोचरे कोचरे की मिन्यारे। क्या हुआ? याद है तुमने कहा था कि मेरी बहन को संभाल लो यालिन? हाँ कहा था। हाँ तो काफी सोचा मैंने इस बारे में। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब कि मैं डेफने को वापस भेज दूंगा, एक बार उसे संभाल लूं जरा। ए! क्या कह रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा था मेरी बहन को संभाल लो, ये नहीं कि उसे लेके भाग जाओ। भाई भाई प्लीज मुझे बचा लीजिए, इसने मुझे वाकई अगवा कर लिया और आपका पासपोर्ट इसी के पास। अरे फाड़ में किया पासपोर्ट। डेफने तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही ना? हाँ वाकई उसने तुम्हें किडनैप किया है ना, बताओ मुझे। नहीं मेरे भाई, कोई मजाक नहीं, मुझे वाकई किडनैप कर लिया है। सच कह रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा डेफने। पागल हो ही जाओ भाई, आ जाओ आके बचा ले मुझे। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, डर गया मैं। हाइते, 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 ओ, 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 ओ,
मरोगी तुम। तमाशा लगा रखा है, आधी रात को कौन दरवाजा बजाता है ऐसे? शर्म नाम की कोई चीज है भी या नहीं तुम्हें? हाँ मुझ में नहीं है शर्म। जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती, डैफने घर नहीं आ जाती, मैं इसी तरह गुंडा बनकर यहीं खड़े होकर बदमाशी करता रहूंगा, याद रखिएगा। किसकी बहन और कहाँ चली गई है? आपके लाडले पोते ने डैफने को किडनैप किया है आराज साहब। हाँ। एक मिनट, मेरा पोता ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। किया है सिराज साहब, किया है। आपके पोते ने और मेरे पोते ने एक जैसा काम किया है। खातून ये क्या कह रही हैं? सिनान ने तुम्हारी शहजादी को अगवा कर लिया है। डैफने यालन के पास है और यशिम हमारे घर में है। क्या? चिल्लाओ नहीं। तुफैल, यशिम को अभी वापस लेकर आओ। जब तक डैफने घर नहीं आ जाती, आपको अपनी पोती भी नहीं मिलेगी सिराज साहब। सुन लो, मजेदार सी चाय तैयार है। लैला, एक काम करो, चाय वापस ले जाओ, हम सोने जा रहे हैं। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी मेरी जान, मैं अपने घर में जाकर सोऊंगी। हमारा घर तो जल गया ना मेरी जान। हाँ हाँ, मुझे तो पता है ना मेरी जान, दरअसल मेरे देवर ने ही तो जलाया है। तो मेरी बात सुनो, उसने तुम्हारे ही कजन के साथ मिलकर हमारा घर जलाया, समझ आई? हाँ तो ठीक है ना, जब हमारे रिश्तेदारों ने हमारा घर जला दिया तो फिर मैं अपने घर ही चली जाती हूँ। यहाँ रहने का क्या मतलब है मेरा? तुम ऐसे नहीं कह सकती हो, बस अब तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, और वो बंदे आ जाएंगे सुबह शिफ्टिंग करने के लिए। डैफने यहाँ आ जाएगी और हम डैफने के पोर्शन में। वैसे भी उसका पोर्शन बहुत बड़ा और जबरदस्त भी है। वैसे भी तुमने तो देखा है ना, तो अंदाजा तो होना ही चाहिए तुम्हें। लैला, जब तक ये सारी सेटिंग्स नहीं हो जाती, हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इस बारे में एक लफ्ज़ भी पूछा मुझसे। हाँ, क्यों नहीं पूछा? अरे मुझे पूछने की जरूरत क्या है, मैं तो हस्बैंड हूँ, तुम्हारा जो मैं बोलूंगा वही तो होगा। सुना, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करते रहो, याद रखना ये बात अच्छी तरीके। हाँ बिल्कुल सुना, मत रोको इसको, अगर ये नहीं रुकना चाहती तो। तुमसे किसने पूछा है? उफ सिनान यार, कितने खड़ूस हो। हाय दे। खड़ूस बोला मुझे? हाँ, हिसाब देना पड़ेगा। सिनान, आइंदा बीच में नहीं बोलना हमारे। सिनान जोड़ो ना, पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल पागल है ये दोनों। अल्लाह। सुनान, सुनान तुम नहीं, नहीं छुओ, नहीं यार, नहीं। यशिम, हिलने की कोशिश भी मत करना। सुनान, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ करूंगा मैं, क्या करोगी तुम मेरा? हाँ? मैं फिर शोर मचाऊंगी मैं। यशिम तुम्हें अचानक हो क्या गया यार? यार मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, और तुम्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है यार। तुम तो वाकई सीरियस हो गए मेरी जान। हाँ तो क्या मजाक समझा हुआ है? इतने दिनों तक मैंने इस दिन का इंतजार किया था, और खैर मैं कोई बात नहीं कर रहा यार अब। वो तो मैंने भी किया था ना। तुम सच कह रही हो? हाँ ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी जान यार। अब क्या ये शिम? कुछ चीजें आसान नहीं होती है सिनान साहब, तुम कुछ भी करोगे तो भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। हाँ अजीब। यशिम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इधर आओ फौरन। नहीं आऊंगी मैं वहाँ, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे तो यार तुम मेरी बीवी हो। सही है, हाँ ठीक है तुम मेरे शौहर हो, लेकिन तुम अगर अपनी ज़हनियत नहीं बदलोगे ना, तो हम एक दूसरे को हमेशा के लिए तरसते ही रहेंगे। हम क्यों तरसते रहेंगे एक दूसरे के लिए, जरा बताना मुझे। क्योंकि तुमने
आपने मुझे किडनैप किया है बरूची साहब, इसलिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो किडनैप करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये नफसियाती पर नहीं करना चाहिए था ना। जशन, मैं कह रहा हूँ शराफत से मेरी बात मान लो, वरना मैं तुम्हें अच्छी तरह बता दूंगा कि नफसियाती किसे कहते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं। अरे तू क्या मेरे साथ पकड़ा पकड़ाई खेलने का मुड़े, जशन बता दो एक दफा। नहीं, हम लोग ना साथ में यहाँ पे ना ऐसे सो जाते हैं। ठीक है यार, ठीक है, चलो सो जाते हैं। पहले तुम। क्या? पहले 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 तुम। बहुत अच्छे, बस भाई इसी की कमी रह गई थी। आएगी हाँ, आखिर प्यार करती हूँ तुमसे। ऐसा करो, तुम जमीन पे सो जाओ। मुझे नहीं सोना, खुद ही सो जाओ, नहीं सोऊंगा मैं। शहर के अंदर जहाँ तुम फैमिली के साथ रहते हो, दूसरा पहाड़ों पे, और फिर ये जगह, बताओ जरा कितने ठिकाने हैं? ये मेरा नहीं है। तो फिर? मेरे अंकल का है। यशन, ये कौन है? पता नहीं मुझे वैसे। अरे डेफने, ये तो मेरी अम्मी। अम्मी कितनी प्यारी है ये। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है? नहीं, मुझे उनका सिर्फ एक साया सा याद है। और ये आदमी, ये इनके भाई है क्या? एक ही सरनेम है दोनों का, हो सकता है भाई हो। यहां पर तो किसी क्लिनिक का नाम भी लिखा हुआ है यार। तुम्हारे अंकल डॉक्टर थे क्या? तुम्हारे अंकल से क्या मतलब तुम्हारा? बताया तो था कि अगर मैं चाहूं तो अम्मी को ढूंढ सकता हूं। बताया था लेकिन ढूंढा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था। लेकिन तुम्हें फिर भी लगा कि ढूंढना चाहिए और बीच में अपनी टांग अड़ा दी तुमने। अच्छा शुरू मत हो जाना। ठीक है, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए था उन्हें। एक बात क्लियर हो चुकी है कि हमें एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक नहीं है, क्योंकि ये मामला हम यहीं सॉल्व कर लेंगे। तुम इससे वादा करोगी कि मेरे हर फैसले को इज्जत दोगी और मैं तुम्हारे भरोसा करेंगे दोनों एक दूसरे पर। और ऐसा कभी भी नहीं होगा। होगा।
तुम्हारे लिए वादा करना मुश्किल है और मेरे लिए तुम पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हम दोनों ये करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। तुम्हारे ख्वाबों में। तो फिर मैं इंतजार करूंगा, मेरे पास बहुत वक्त है, अब सो जाओ, गुड नाइट। अरे यहाँ क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन? काम हो रहा है? चलो अच्छे से हो जाए। चलो देखते हैं हबीबे ने कोई पोइट्री लिखी। फॉलोअर्स, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। मैंने लड़कियों को उनकी मर्जी के खिलाफ पकड़े जाने के लिए मुहिम शुरू की है। नहीं का मतलब नहीं है, मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं के हैशटैग के साथ अपनी पोइट्री भेजें। हाय, कितना एहसास है ना मेरी जान को, सोशल मैसेजेस भी दे रही है। अगर मसले का हल चाहते हो तो अगवा करना हल नहीं है। अगर सुनने की ताकत नहीं रखते तो बहादुर बनने का हक नहीं है। सख्त मिजाजी से कभी भी आशिक नहीं बन सकते, क्योंकि मोहब्बत हरगिज गुंडागर्दी नहीं है। हेलो मेरे प्यारे फॉलोअर्स, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से हमें हबीबे को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। चले आ जाए, कुछ तो अच्छा करें, खुश रहो, हम दोनों मिलकर कुछ जरूर करेंगे। खुशी हो रही है मुझे। ये तो वही पुरस्कार शख्स है ना, ये तो मुझे सपोर्ट कर रहा है। ओ मेरी मोहब्बत, तुम कैसी हो? आजकल धोखेबाजी आम है, लड़की को अगवा करना बहादुर मर्द होना है। मैं भी तो तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत गुंडागर्दी नहीं, ये ख्याल तक नहीं आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो बहुत अच्छा है। वाह, इस मुहिम के इतनी जल्दी इतने सारे सपोर्टर्स भी हो गए, हैरत है यार। आज के बाद से सारी अय्याशियां खत्म समझो। यार मोहब्बत की बातें बहुत हो गई, सब खत्म। बहुत ढील दे रखी थी मैंने तुम लोगों को, बहुत। आज के बाद जो मैं कहूंगा वही होगा, मेरी इजाजत के बिना अगर किसी ने कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। डैफने को वापस करो, मैं उसके बाद इस घर में बरूची फैमिली का नाम भी नहीं सुनना चाहता। मैं तो खुद साथ मिलकर कब्र खोदूंगा। चलो तुम्हारे भाइयों जैसा नहीं करता मैं, जैसे तुम हो वैसा ही कबूल करता हूँ। तुम बातें निभाना नहीं जानते हो यालन।